उत्कल सुभ्रांता केसरी क्षीणवध्या विपुल तरणितम्बा पक्वबिम्बधनोश्री चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो विद्वन्द्वस्पुण्यं जातिगाथापुण्यम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं असन्दमाम्बजे विश्वसर्गभिसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामान्वित जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जहां ते विघ्ननाश विष्ठर वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमदनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की गजरानी राधा रानी की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारनी सरकार की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नितारय गौर हरि कारण करुणा करुणालय श्री गोदानी महाप्रभु की महती अनुकंपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 80 पासक खेलायां आछेद्य मुरलिं हरे क्षिप्तामयि त्वया देवी गोपयिष्यामि तां कदा। श्रीपाद ने स्फूर्ति में राधा माधव के वन विहार और मदन गांव माधुर रसों का आस्वादन किए। इसके बाद एक विलक्षण प्रिया जी के नित्य रस का अनुभव हो रहा है। प्रिया जी के विरह में उनके हृदय में जो तीव्र वेदना है उस वेदना के फलस्वरूप उनके हृदय में प्रिया जी के प्रति जो प्यार है उसी के कारण एक अद्भुत लीला इनके चित्त में है। राधा रानी विविध रूप से प्यारे श्याम सुंदर को आह्लादित करती रहती हैं और प्रिया जी के ही चलते भक्त और भगवान दोनों की रस की अनुभूति होती रहती है, आनंद आता है। लीला आज स्मरण कर रहे हैं कि हे देवी हे किशोरी जो पासक खेलायाम जित्वा प्रियालाल निभृत निकुंज में इस खेल को खेलते हैं। पास क्रीड़ा पासक क्या कहते हैं चौपड़ चौपड़ कहते हैं
ये निकुंज में एक खेल है, ललितादी सखियों के कहने पर प्रिया और प्रियालाल इस खेल को खेलते हैं। पासक खेल आया चौपर ना, तो उसमें हार जीत होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। पास खेलने पर कुछ कुछ, पासा खेलने पर कुछ कुछ दाव पर रखते हैं, उसको हारना जीतना पता नहीं, जो खेला होगा वो जानता है, हमको कैसा बनना होगा। निकुंज में ये सब खेलते हैं। इस खेल में प्रत्येक खेल के बीच प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आनंदित करना चाहते हैं, इनका एकमात्र खेल यही। तो श्रील रघुनाथ दास जी कहते हैं कि हे देवी, पासक खेलाया जब क्या कहे चौपर और क्या कहे चौपर क्या चौपट्टी होता है, पासक क्या होता है, हाँ जो है चौपट्टी चौपर चौ, ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये सब खेल सीखना पड़ता है, मंजरियों को सीखना पड़ता है, मंजरियां तो और सुचतुरा होती हैं। इसीलिए इस निकुंज में सब लीलाओं में जो दक्ष होता है वही इस लीला में प्रवेश करता है, सब कुछ जानना पड़ता है। संसार का जितना खेल है ना, सब खेल निकुंज में खेला है, उसी का प्रतिबिंब इस पृथ्वी पर आया है। यहाँ के खेल में और वहां के खेल में केवल इतना ही अंतर, खेल सब वही, केवल इतना ही अंतर है, यहाँ खेल खेल करके अपने को जीतते हैं, वहां प्रियालाल को पसंद किए। तो रघुनाथ दास जी कहते हैं कि पासक खेलाया जीतवा, प्रिया जी पास खेल में जीत करके आछिद्य जबरदस्ती पास में पासा खेला जाता है, जब उसमें यदि कोई हार गया नहीं देता है तो जबरदस्ती लेना पड़ता है, तो अपने से दे देते हैं, दाव जो रखा जाता है क्या कहते हैं दाव, तो उसको रखते हैं और खेलते हैं, जो जीत गया वो जो रखा जाता है उसको लेना पड़ता है। तो कहते हैं हरे सकाशात आच्छिद्य बलात् गृहीत्वा, जब प्यारे श्याम सुंदर हार गए और देना नहीं चाहते थे तो जबरदस्ती किशोरी जी उनके छाती पर चढ़ करके देगा क्यों नहीं। हरे स आकाशात आच्छिद्य बलात् गृहीत्वा, जबरदस्ती पकड़ करके त्वया मयि चित्ता ताम मुरली अहम कदा गोपेश्याम, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के छाती पर चढ़ करके पर्ण में उनके दाव में मुरली जीत ली हैं, तो उसको ले करके छिपाए, तुलसी मंजरी को दी तो तुलसी मंजरी छिपाए, उसे मैं कब छिपाऊंगी, ऐसा उस लीला का स्मरण हो गया है श्री रघुनाथ दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, केवल हरे कृष्ण से काम नहीं चलेगा। इस रस का अनुभव करना, भागवत केवल माला जपने नहीं सिखलाता है, सेवा करने भी सिखलाता है, कैसे नाचना, कैसे गाना, कैसे चोरी करना, चोरी करना पड़ता है,
संसार में लोग चोरी करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, लेकिन निकुंज में चोरी होता है प्यारे प्रियालाल को सुख करना, सुख देने। वहां पर जो भी क्रिया किया जाता है तब सुख के लिए, और संसार में जो कुछ भी क्रिया किया जाता है स्वसुख, बस इतना ही। स्वसुख हट गया बस वही आनंद वही रस। राधा माधव को, राधा नामी किशोरी जी प्रिया जी को सुख देते हैं। प्यारे जो प्रिया जी को सुख देते हैं और प्रिया जो प्यारे जी को सुख देती हैं, पर दोनों को सुख सक्षम में जरिया देती, यही है, यही है रस। आप लोग जहां हैं आप अपने अनुगत लोगों को सुख दीजिए, वे लोग आपको सुख दे, बस झगड़े समाप्त। घर में झगड़ा क्यों होता है? तू कर तू कर तू कर, अब भोगने के लिए आया तो मैं खाऊं, बस झगड़ा बढ़ जाता है। जब घर में कहे कहेंगे कि मैं करूंगा और कोई भोजन आ जाए तो तू खा तू कर, झगड़ा ही सारा संसार झगड़ा खेल समाप्त। तो संसार का खेल केवल इसी पर चलता है, मैं। निकुंज में होता है प्रिया जी अपने आप को बेच देती हैं श्याम सुंदर को सुख के लिए, और प्रिया जी का सारा कुछ प्यारे श्याम सुंदर, और प्रिया लाल अपने आप को निछावर कर देते हैं सखियों के, और सखियां अपना सर्वस्व त्याग कर देती हैं श्री कृष्ण, बस यही तो लीला। इसी को कहते हैं भक्त। लाजनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, संधिन संबित और आह्लादनी, ये तीन शक्ति है, संधिन संबित और आह्लादनी। तो आह्लादनी के रूप से और आह्लादनी के द्वारा प्रिया जी को प्रसन्न कराना, आनंद देना, और उसी लादनी शक्ति के द्वारा श्याम सुंदर को सुख, भक्त को सुख देना है श्याम सुंदर। इसी लादनी की सार वृत्ति भक्त कोटि और भगवत कोटि, भक्त और भगवान दोनों में ही आह्लाद प्रविष्ट होकर के एक दूसरे की सुख की अनुभूति करता रहता है। आह्लाद देना है, एक व्यापार है, संसार में व्यापार चलता है अपने लिए, और वैकुंठ जगत में गोलोक जगत में व्यापार चलता है दूसरों को सुख देने। कितना खेल खेला जाता है उसका लक्ष्य अपना सुख नहीं, अपने प्यारे एक ही बस। इसलिए महात्मा लोग इस जगत में रहते हुए भी गोलोक में रहते हैं प्रिया लाल के, वे अपना सुख को भूल जाते हैं, बस प्यारे लाल के सुख में अपने जीवन को, अपने लिए पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए जो क्रिया की जाती है इसको भाव बंधन है। तो बहुत सुंदर एक लीला का स्मरण हुआ है आचार्य चरण, तो स्वामी के विरह में तड़प रहे हैं आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, और प्रिया जी उनके हृदय में एक विचित्र अद्भुत लीला का स्मरण कर, प्रिया जी की कृपा से उनके हृदय में लीला स्मरण हो गया, लीला प्रकट हो गया। वो क्या लीला है? तो कुंड तीर पर रघु राधा कुंड के तीर पर सुदेवी का कुंज है, सुदेवी सखी का कुंज, उस कुंज में पास क्रीड़ा प्रारंभ। राधा कुंड के तट पर बहुत क्रीड़ा हुआ है, अमृत पान जल के लिए हिंडोला इत्यादि लीला हुआ, इन सब लीलाओं में प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को हरा दिए। तो प्रिया जी श्याम सुंदर को हराने के लिए, देखिए हराना है क्या, आनंद देना है श्याम सुंदर,
हराना जितना मैंने होता है कि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को सुख दे दिए, प्रिया जी सुख देना चाहती हैं प्यारे श्याम सुंदर, लेकिन श्याम सुंदर ने प्रिया जी को अत्यधिक सुख दिया, तो जो अधिक सुख दिया वो हार गया, जो अधिक सुख ले लिया वो हार गया, ये निकुंज मार्ग ऐसा है। हम किसी से सेवा ले ली मैंने हार गए, अब मैं किसी को सेवा कर दिया मैंने जीत, संसार में क्या होता है ठीक उल्टा, हम यदि किसी को सेवा ले लिए तो मैं जीत गया, संसारिक लोक प्राणी है, सेवा कर दिया मैंने पीट गया, देखिए यही अंतर है। निकुंज में एक ही उल्टा है, प्रिया जी श्याम सुंदर को सुख देना चाहती, अब प्यारे श्याम सुंदर भी प्रिया जी को सुख देना चाहती, और जो अधिक सेवा दे दिया और जो अधिक सेवा ले लिया वो हर, अब प्रिया जी यदि प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर अधिक प्यार दे दिए, अधिक सुख दे दिए, अमृत पान जल के लिए इंडोला लीला इत्यादि, और प्रिया जी की जो प्रिय नर्म सखियां हैं और सेवा ले ली प्रिया जी अधिक, तो थोड़ा सा उदास हो गए, अरे हम श्याम अपने प्यारे को अधिक सुख नहीं दे पाए, हम तो सुख ले ली, तो सभी सखियां विद्यमान होकर के और राधे श्याम में एक कौतूहल एक क्रीड़ा प्रारंभ कराए, इसमें प्रिया जी को हम लोग जीता है। चलो तो अब ये राधे से राधा माधव को अब ये चौपड़ ना क्या पासा खेलत है प्रिय बिहारी, प्रियालाल पासा खेल, आप उस स्थान को देखिए कौन किसका स्थान है, सुदेवी सखी का कुंज है और खूब सुंदर आसन सिंहासन लगा हुआ है और चौपट प्रियालाल बैठ गए हैं खेलने के लिए, दोनों एक दूसरे जीतने के लिए तैयार, राधा रानी के पक्ष से ललिता जी हैं सुदेवी जी हैं, प्यारे श्याम सुंदर के पक्ष से मधुमंगल और सुबल सखा है, और मध्यस्थ भी रहना चाहिए, क्यों रहने से बीच में भी तो निर्णय करना है, तो बीच में नांदी मुखी और गंगा देवी मध्यस्थ, दोनों झगड़ा कर लेंगे तो इनकी बात ना, उनके पक्ष वाले तो अपना पक्ष लेंगे या अपना पक्ष लेंगे, तो बीच में भी तो रहना चाहिए, तो नांदी मुखी और वृंदा देवी वृंदा से ये दोनों बीच में, और चालू हो गया गोटी गोटी खेलते पासा पे, पासा उसको कहते हैं ना जो चलते हैं ऐसे पासा, और पासा खेलने के पहले रखा जाता है उसको क्या कहते हैं दाव तो उसको क्या कहते हैं गोटी बोलते हैं गोटी गोटी तो रहती है दाव मतलब आप लोग सब खेले हैं कि नहीं कभी देखिए खेला कौन कौन है राजस्थान में, राजस्थान की परंपरा अभी तक है हाँ। किसी के घर में कोई बच्चा जन्मता है हाँ। तो चोपड़ का खेला होता है हाँ। तो हमें बच्चे थे तब तक खेला हुआ था खेले हम लोग देखे हुए देखिए आपका खेला कितना काम आ गया एक बार प्रियालाल नृत्य कर रहे थे नृत्य करते करते प्रिया जी का नुपुर खुल गया, हरिराम व्यास जी थे अपना जलेब तुरंत तोड़े और तोड़ करके प्रिया जी का नुपुर कहे कि जी इतना जीवन तक मैं जलेब ढोया उसका फल मुझे याद प्राप्त प्रिया जी की सेवा में, तो आपका एक खेलना कितना काम आ गया, हम नहीं खेले हम अभागे नहीं काम रहा, तो दाव पर रखा गया
यहाँ पर नील और पीत दो गोटी है, तो प्रिया जी नील गोटी ली हैं और प्यारे श्याम सुंदर पीत गोटी, और दाव पर शर्त रखा गया सुरंगी और रंगीनी, ये दो नाम के वस्तु रखा गया दोनों जीतने की आशा खेले खेलने में कृष्ण जीत, तो स्वाभाविक रूप से जो जीत गया वो ले ली। और दूसरा बार खेलना प्रारंभ हुआ तो एक जगह मुरली रखा गया, श्याम सुंदर ने मुरली रखा और प्रिया जी अपना बीड़ा रखी, तो मुरली और बीड़ा इधर चतुर जो सखियां हैं वो सोचती हैं किसी तरह इस बार हराना है, इधर प्यारे श्याम सुंदर भी बहुत ताव कि हमारी मुरली कहीं छीनी न जाए, दोनों तरफ से अब चल रहा है। जब पासा उसको जो डालते हैं उसको क्या कहते हैं, पासा क्या कहते हैं आप गए वैसे डालते हैं वो क्या कहते हैं पासा? ऐसे पहले कोड़ी आता था, एक कोड़ी आती है उससे पहले खेलते थे। अच्छा कोड़ी कोड़ी हाँ कोड़ी हाँ अच्छा कोड़ी खेलते थे, वो उल्टी और सीधी होती है वो कोड़ी बोलते हैं उसे, इसको कोड़ी कहते हैं। और पासा क्या होता है? तो प्यारे श्याम सुंदर डाले और हार गए, प्रिया जी का पास पारी आया खेलने का, तो प्रिया जी उसे लेकर के ऐसे से मिला है, वैसे मिला ही क्या, ऐसे मिला रही थी तो लग रहा था कि प्यारे श्याम सुंदर की मन को ही मल रहे, अब क्या होगा क्या होगा, और प्रिया जी ऐसे लेकर के डाली थोड़ी लेकर के ऐसे करके डालिए, ऐसे डालना चाहिए तो जे डालना चाहिए तो डालिए, और डालने के बाद प्रिया जी की जीत। अब श्याम सुंदर से मांगने लगी कि मुरली दो, तो श्याम सुंदर देने के लिए तैयार छिपा ली, बार बार सखियां प्रयत्न कर रही हैं कि दे 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 दे, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं। प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर को सुख देना है और बंसी छीनना भी है, दो काम करना है, और हाथापाई चालू हो गया, नोक झोंक लड़ाई, सखियां सुचतुरा हैं, मधुमंगल कहा कि नहीं नहीं ये लोग जान करके बेईमानी की है, सुबल और एक कृष्ण के पक्ष हैं, ललिता और सुदेवी इन पक्ष में हैं, अब नांदी मुखी और गंगा के पास गया तो सब निकला कि नहीं ये प्रिया जी की जीत है, तो बंसी दे, कृष्ण भूल के भी बंसी देना है, प्रिया जी जबरदस्ती बंसी दे, और कृष्ण छटपटाने लगे रोने लगे कि हम क्या दे दो दे दो दे दो, नहीं अब मरने की स्थिति आ गई प्यारे, तो प्रिया जी जान कर उनको अपना बंसी दे दी प्यार से कि लो, अब प्रिया जी श्याम सुंदर बंसी ले भी, अब उधर थोड़े से जा करके तुलसी मंदिर की चोरी से उसको चोरी कर, इनको दे भी दी और चोरी भी कर दी, और झंझट हो गया कि नहीं नहीं तूने लिया है, नहीं हम क्यों लेंगे, नहीं तुम लिया है, राधा रानी को आक्षेप करने लगे प्यारे श्याम सुंदर, नहीं तुमने नहीं, तो राधा रानी कही कि हमारे घर में जलावन की कमी है क्या, और तुम्हारे इस बांस की छोटी बंसी से तो आधा पाव दूध भी गर्म नहीं हो, लेकर मैं क्या क्या, ललिता जी कहती है कि नहीं नहीं इसका बंसी तो इसके पास रखना ही नहीं, इसको तोड़ मरोड़ करके जमुना जी में फेंक,
सारे कुलवंती नारियों का भ्रष्ट करने के लिए बन सकते थे। हम लोग न जाने कहाँ कहाँ कुछ किस स्थिति में रहते हैं और एक बंसी बजा करके हमारा कुल धैर्य मर्यादा लज्जा सबको नाश कर देते, इसको तोड़ दे। फिर तीसरा बार चालू हुआ, तो तीसरा बार चालू हुआ तो दाव पर रखा गया अपना अपना अंग। श्याम सुंदर अपना उनके पास आंख है, अब तुम्हारा आंख हार जाएंगे तो अब हम आंख तुम्हारे ले लेंगे, तुम्हारे दोनों भुजा, दोनों हाथ, तुम्हारे अधर, तुम्हारे नाक, ये दाव पर रखा। अब तुम्हारा अंग रहेगा लेकिन उसका उपभोग केवल मैं करूंगी, तुम्हारा इस ये दाव रखा। तो प्रिया जी गोटी डालिए, प्यारे श्याम सुंदर को कहले, प्यारे श्याम सुंदर कहे कि नहीं पहले बैठा, सखियां कहें कि ठीक है चलो इसको डाल। जब ही गोटी डाल रही थी तो प्रिया जी अपने नेत्र को ऐसे घुमाए नेत्र से, चंचल नेत्र, कि जिस चंचल नेत्र को देख करके प्रिया श्याम सुंदर का हाथ कांप और गोटी गिर गया हार। तो कहे कि नहीं नहीं इसकी गड़बड़ी है, देखो देखो तुम तो अपनी सखी की स्थिति ऐसे कर रही है। ललता सखी कहे कि नहीं इनकी गड़बड़ी नहीं है, तो स्वयं चंचला इनकी नेत्र है, खंजन पक्षी की, इनकी क्या दोष है, दोस्त तो तुम्हारा है, तुम क्यों देखा। इसके बाद 10 अंग जीती लिया, 10 अंग, दो भुजा प्यारे श्याम सुंदर के, दोनों भुजा प्रिया जी का हो गया, वक्षस्थल श्याम सुंदर का दोनों ओठ ऊपर का और नीचे का, दोनों कपोल, तो इसके बाद दोनों भुजा, वक्षस्थल, हाथ, ओठ और कपोल, इन सब अंगों को किया जी। प्यारे श्याम सुंदर से कहने लगी तू हमको दे, अब तो तुम हार। इस प्रकार वहां पर अद्भुत अद्भुत क्रीड़ा हुआ। आचार्य चरण कहते हैं कि ये गोपियां जो भी खेल खेली हैं तो केवल कृष्ण सुख के लिए थी, इनका लक्ष्य केवल कृष्ण सुख ही है, आत्म सुख दुख गोपी नहीं का विचार, अपना सुख दुख गोपियों के हृदय में कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण सुख के लिए ये सब खेला खेल हुआ है। एक महाजन हैं, वो वर्णन करते हैं कि कुंज प्रतिदिन ये जो पासा खेली है ना, रोज रोज करके रोज राधा कुंड के तट पर, राधा कुंड में जो अष्ट सखियों का कुंज है, इन कुंजों पर ये लीला चलता है। एक दिन चित्रा के कुंज में चला ये पासा खेल, चित्रारो विचित्र कुंजे चित्रमणि वेदी माझे तापर बिछाव चित्रासन, चित्रा के विचित्र कुंज पर, विचित्र वेदी पर, मणिमय वेदी पर खूब सुंदर वस्त्र बिछाया गया मणिमय, और चतुर चतुरी जाइया बसीवे आनंद है, और नागरी ललिता विशाखा इंदुलेखा चित्रा ये अष्ट सखियां बैठी, संगे सुचतुरी सखीगण जो उनकी मंजरियां हैं, उनकी सखियां हैं, ये चारों तरफ बैठे। अब वृंदा देवी चित्रावासा चित्र चित्रपासा अन्न, वृंदा देवी ने पासा लाए, पासा क्या है वही, चित्रा देवी चित्रपासा अन्न विचित्र पासा ला कर दी और दोनों को खेलने के लिए दी। इस खेल में तो प्यारे श्याम सुंदर हारेंगे नहीं,
सुचतुरा गोपियाँ कहती हैं कि ये कृष्ण क्या, हाँ इसमें तो जिसकी बहुत तीव्र बुद्धि होती है वही खेल सकता है, एक साधारण खेल नहीं है, इसमें बुद्धि की परीक्षा होती है कौन तेज। तो सखियां कहने लगी कि ये तो दिन भर गायों के पीछे पीछे चलता है, ग्वाल बालों के साथ खेलता है, इसके पास बुद्धि कहाँ, वो भी सुचतुरी नारियों को कैसे हराए, इस बार इसको हम लोग पता। देखिए प्रियालाल का नित्य लीला चल रहा है, बिहार चल रहा है, खेल प्रारंभ हो गया, अपने मुख को ढक करके सुचतुरा गोपियां मंद मंद मुस्कुरा हंस रहे। इस समय हरिणी और मुरली को रखा गया दाव के, और कृष्ण को दिया गया चलाने के लिए गोटी, चला अपना पासा चलाए, लेकिन हेमरी नयनी नेत्रे कटाक्ष करीबे तार। उस समय जब प्यारे श्याम सुंदर खेलने के लिए चले, उसी समय प्रिया जी अपने कटाक्ष नेत्र के द्वारा ऐसे नेत्र अपनी कटाक्ष मारी कि प्यारे श्याम सुंदर मन विचलित हो गया और ये अपने पासा फेंके, और फेंकने पर बिल्कुल यार कटाक्ष करीब तार परे तेहु ललितार प्रति कहिबे न सुन सती तोर सखी अन्याय जी पर। अब प्यारे से आप सुंदर सखियों के पीछे पड़ गए कि तुम्हारी जो सखी है बहुत भयंकर अन्याय कर रही है हमारे से। तो सखियां पूछी क्या अन्याय कर रही है आपसे, तो देखो तो सही, हम यहाँ पासा खेल रहे थे और अपने नेत्र के कटाक्ष के द्वारा हमारे हृदय को मचने लगे, हमारा मन बुद्धि सब काम नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा अन्याय है, इसने अन्याय किया है। तो सखियां कहती है कि हासिया नयान कोने चाहिए देखो मोर पाने आर कहे नासा र फूला है। सखियां अपने नाक के नाक से नाक के, कोई कोई नाक को लगता है ऐसे कचकाते हैं, कहते हैं इसकी कला सबको नहीं है, कुछ कुछ लोगों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आता है आप लोग, आता है नाक को। सखियां इस रहस्य को देख करके ललिता जी कहती है कि हमारी सखी क्या अन्याय, हमारे पास कोई अन्याय की क्या अन्याय की बताओ। ललिता कही बे तारे कि अन्याय सखी करे, क्या सखी अन्याय कर रही, कुछ तो अन्याय नहीं, हम लोग तो यहीं बैठे हैं। तो कही कि ये अपने आँख के द्वारा हमको कटाक्ष की जिससे हमारा मन बुद्धि काम